गुड मॉर्निंग क्लास। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम देखना के इंग्लिश सी का इस्तेमाल करें, लुक का इस्तेमाल करें या फिर वॉच का इस्तेमाल करें। तो आज के क्लास में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि सी का इस्तेमाल, लुक का इस्तेमाल और वॉच का इस्तेमाल हम लोग कब और कहाँ करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेयर, गेज और बिहोल्ड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सी का इस्तेमाल। सी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? जब कोई चीज देखने के लिए हमें प्लान न बनाना हो, यानी विदाउट प्लान व्हेन यू सी एनीथिंग नेचुरली। जब कोई चीजें आपको ऑटोमेटिक दिख जाए तो वहां पर देखने की इंग्लिश हम सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, आप इधर टर्न हो गए, कोई चीज देखते हैं तो वहां सी का इस्तेमाल करेंगे। आप इधर टर्न हो गए, कोई चीज आपने देखा तो सी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप इधर टर्न किए और आपने एक लड़के को देखा तो आपने क्या कहा? आई सा अ बॉय। देखिए मैंने एग्जांपल से समझाया है, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा और थर्ड फॉर्म होता है सीन। क्लियर समझ में आया? अगला एग्जाम्पल से समझिए, आई सा अ स्नेक यस्टरडे। जैसे मान लीजिए कि कल आप मार्केट में गए थे और आपने वहां पर एक सांप देख लिया, तो देखने तो गए नहीं थे, ऑटोमेटिक नेचुरली वो चीजें आपके सामने आ गई तो आपने देख लिया, तो आपने क्या कहा? आई सा अ स्नेक यस्टरडे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सी का डेफिनेशन था। नेक्स्ट हम समझेंगे लुक के बारे में। लुक मतलब देखना। विथ प्लान यानी व्हेन यू मेक एन एफर्ट, जब आप किसी चीज को देखने के लिए एफर्ट लगाते हैं, या फिर आप यू कहिए कि जब कोई चीज दिखाना हो किसी को तब हम वहां पर लुक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा? लुक एट दैट पिक्चर, यानी उस तस्वीर को देखो। लुक एट रमेश, रमेश को देखो। लुक, देखो इट्स अमेजिंग कार, ये बहुत बेहतरीन बहुत शानदार कार है। ध्यान दीजिए, अगर लुक के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके लिए हम लोग लुक के बाद एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी लुक के बाद एट प्रीपोजिशन फिक्स है अगर कोई वहां पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मैटर नहीं। जैसे मैंने कहा लुक हियर, यहाँ देखो। मैंने कहा लुक देयर, वहां देखो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लुक मी तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं बोलूं कि लुक मी तो ये गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि मी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टू लगाना कंपल्सरी हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? लुक एट मी। क्लियर समझ में आया? तो ये हमारा डेफिनेशन था लुक का। नेक्स्ट आइए समझते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा वॉच। वॉच मतलब देखना। तो वॉच का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? तो जब कोई चीजें हम ध्यान से देखते हैं, देर तक देखते हैं, या फिर चीजों की निगरानी करते हैं, तो वहां पर हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेशली मूविंग समथिंग। जब कोई चीजें मोमेंट में होता है स्पेशली, तब वहां पर हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं, देर तक देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए या फिर निगरानी करने के लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही वॉज वॉचिंग टीवी। टीवी ध्यान दीजिए उसमें मोमेंट करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखने की इंग्लिश क्या लगा रहे हैं? वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही वॉज वॉचिंग मूवी, वह मूवी। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, मैंने कहा आई एम वॉचिंग यू, इसका मतलब मैं तुमको बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, मैं तुम पर निगरानी कर रहा हूँ कि तुम क्या क्या कर रहे हो। जैसे आप सीरियल्स में या फिर मूवीज में देखे होंगे कि लोग ऐसे करता है, इसका मतलब क्या है? आई एम वॉचिंग यू, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम्हारे सारे मोमेंट्स में मेरी नजर है, इसलिए तुम सावधान रहना। इज दैट क्लियर? आगे समझिए, मैंने कहा ही इज वॉचिंग द थीफ, वह चोर की निगरानी कर रहा था, यानी चोर क्या क्या कर रहा है उसको वो देख रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग वॉचमैन को भी वॉचमैन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो ध्यान से देखता है, लंबे समय तक निगरानी करता है, इसलिए हम लोग वहां पर वॉचमैन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, सी और लुक, सी और वॉच में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब दो चीजों में मोमेंट हो,
बट दोनों के लिए अलग अलग एफर्ट का इस्तेमाल हो तो वहां पर देखने की इंग्लिश अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने कहा यू वॉच टीवी एट होम, यानी घर पर आप टीवी देख रहे हैं तो वहां पर मैंने देखना की इंग्लिश क्या लगा दिया, वॉच का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जब वही चीजें या कोई और भी चीजें आप पब्लिक प्लेस में देखते हैं, जैसे आप मैच देखते हैं या फिर थिएटर में जाकर मूवी देखते हैं, तो वहां पर देखने की इंग्लिश हम लोग सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल से दोनों समझिएगा, मैंने कहा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखा, मैंने वॉच का इस्तेमाल किया, इसका मतलब मैंने मूवी टीवी पर देखा है या फिर घर पर देखा है मैंने। लेकिन अगर मैं बोलूं आई सा अ मूवी यस्टरडे, इसका मतलब मैंने मूवी थिएटर में देखा है। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी हम डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हैं, यू वॉच द मूवी ऑन टीवी, क्लियर। फिर समझिए यू सी द मूवी इन थिएटर, ये हमारा डिफरेंस था सी और वॉच में। इज दैट क्लियर? आगे समझते हम लोग स्टेयर एंड गेज, दोनों का मतलब होता है घूरना या फिर घूर कर देखना। अगर आप किसी को एक टक देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टेयर या फिर गेज का। जैसे मैंने कहा ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, वह मुझे घूर कर देख रहा था। ध्यान दीजिए स्टेयर और गेज के बाद भी एट प्रीपोजिशन फिक्स है, आपको लगाना होगा जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है हमारा बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, प्यार भरी आंखों से देखना, प्यार भरी आंखों से देखना, या आप कह सकते हैं प्यार भरी नजरों से देखना। जब माँ अपने बेटों को देखती है तो प्यार भरी आंखों से देखती है, जब हस्बैंड वाइफ को देखता है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखती है, तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, देखना, बिहोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, आई होप आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।